गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और आज मेरा स्वागत किया है छोटे छोटे पतंगों ने। जो बारिश हुई है कल और शायद रात में भी हुई होगी, सुबह से तो नहीं हो रही आसमान में, हालांकि छिटपुट छिटपुट बादल आए हुए हैं और मॉनसून भी दिल्ली आ चुका है बताया जा रहा है। मेरे को पक्का पता नहीं क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं देखी। तो वो जो कीड़े बारिश के बाद निकल आते हैं ना, बहुत सारे आसपास मंडरा रहे हैं। तो फिलहाल अपनी वॉक होने वाली है ख़त्म और दिन हो गया है शुरू। तो मिलते हैं अब आपको घर पहुँच के। आ गए हैं जी घर पे और डेली रूटीन शुरू है। ये पड़ी चाय और ब्रेकफास्ट की तैयारी है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं और फिर तैयार होकर मिलते हैं। आज कुछ देखते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं यार, कहीं चलते हैं, यू नो, बहुत दिन हो गए और आज कोई बारिश भी नहीं है। हाँ, ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा हाई है तो देख के जाना पड़ेगा कहाँ जाएंगे, अगर बारिश गई तो फिर फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। चलो देखते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं और आपको जल्दी अपडेट करता हूँ। यहाँ चल रही है हमारी वीडियो और आज वो जो किर किर की आवाज़ थी वो इस बोर्ड में से आई और जो बल्ब और फैन है उसको एक दो बार झटका लगा। तो आज इस वाले बोर्ड को खोल के और पूरा सेट कर देते हैं। ये देख लो अभी बोर्ड कैसा लग रहा है और इसको जब हम फाइनल कर देंगे मैं दोबारा दिखाऊंगा ये कैसा लग रहा है। लो जी, एकदम कर दिया है इसको बढ़िया। ये वाला जो फ़ैन रेगुलेटर है ये एक चेंज हुआ है, एक जो यहाँ से चलता था इसको डायरेक्ट कर दिया है, इसका स्विच ये लाइट पे डाल दिया है एक और, और बाकी सारों का ना अंदर से जो स्क्रूज़ होते हैं वो लूज़ थे थोड़े थोड़े, सबको टाइट कर दिया है। सिर्फ ये एक नया लगा है, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ा है। फ्यूज़ बॉक्स, मतलब ये फ्यूज़ ये बेकार है, अंदर से जला हुआ है। ये इंडिकेटर बंद पड़ा है, ये चल नहीं रहा है पता नहीं क्यों। ये दो नहीं थे, नहीं तो ये भी चेंज कर देता। एनीवेज अब ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और हमें अपनी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर बहुत मान है, राइट? काम में इतना डूब गया, टाइम का पता ही नहीं लग रहा। सुबह से लेके यार शाम हो गई है, कुछ चीज़ों में उलझ गया था। मेरे को इनफैक्ट बाहर जाना भी था कहीं पर, जिसके साथ जो काम जाना था उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, लाइक एज यूजुअल यू नो विद मी एटलीस्ट। तो काम में ही लगे रहे और फिर उनका जब कॉल आया, उनसे बात हुई, मैसेज पे बात हुई और कॉल आया कि यार कहीं कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से वो काम अब कल करेंगे। सो यार ऐसी चीज़ों के अंदर उलझ के ना यार, मैंने ना अभी जाना है भगीरथ पैलेस चांदनी चौक मार्केट में भी, तो वो भी इसी वजह से नहीं जा पा रहा कि जो काम है उस काम की वजह से नहीं जा पा रहा। पर देखते हैं अब कल का भी क्या सीन होता है। आज तो सारा दिन उसी चक्कर में वेस्ट हो गया कि ना जा पाए, वेट भी करते रहे, काम में भी उलझे रहे। टाइम हो गया है तकरीबन 5 बज गए हैं, चाय बना लेते हैं यार, चाय की बड़ी तलब लग रही है, यू नो यही नशा तो मैं करता हूँ, राइट? सो चाय बना लेता हूँ, चाय पीऊँगा फिर मिलता हूँ मैं आपसे। बन गई है जी चाय, और तो कोई काम है नहीं पर चाय ज़रूर पियेंगे और फिर मिलते हैं चाय के बाद। हो सकता है कहीं मैं बाहर जाऊं तो साथ ही चल रहे हैं, ठीक है? चाय पी लेते हैं फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। Later in the void. कटाका अंतर जामी सकल कटाका अंतर जामी आ गए थे शेरा वाला और प्रशादा यही हो गया। एक प्रोग्राम था, थोड़ा लेट रियलाइज हुआ बट फिर आ गए यहाँ पे
अब डिनर का टाइम भी हो गया था, प्रसादा शक लिया है, निकलते हैं फिर यहाँ से। तो जी आज का भी दिन ख़त्म हुआ। अचानक से पता लगा कि वो शेरा वाला गुरुद्वारा में कोई प्रोग्राम है, तो वहाँ वो पापा जी का कॉल आ गया कि तेरे को ध्यान नहीं है, मेरे को शायद भूल गया था, आई एम नॉट श्योर क्या हुआ। फटाफट तैयार हुए और भागते हुए वहाँ पहुँच गए, प्रोग्राम में हिस्सा लिया और फिर प्रसादा छका और फिर एक दो छोटे मोटे और काम थे वो निपटा के फिर मैंने कहा घर एक ही बार चलेंगे, वॉक भी कर ली जाए और वीडियो का एंड भी कर लेते हैं यहीं पे। यहाँ तक अगर वीडियो देख ही ली है तो लाइक किए बिना मत जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हो पाया है या नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। राइट, साइनिंग ऑफ राइट नाउ, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।